हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जो हमारा फ़ोन रहता है उसका, आप लोग को स्टोरेज तो पता रहता है कि स्टोरेज कितना है, क्या है फ़ोन का, लेकिन आप लोग को मैं वो बताऊंगा कि जैसे कितना स्टोरेज किस चीज़ में यूज़ हुआ है, जैसे इमेजेस में कितना यूज़ हुआ है, फिर वीडियोज़ में कितना यूज़ हुआ है, आपके ऐप्स में कितना यूज़ हुआ है, और जो भी इंटरनल स्टोरेज रहता है, जो भी मोबाइल फ़ोन का और भी एप्लीकेशन रहता है उसका सब का इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आप सभी को इस वीडियो में, कि आप लोग उसको कैसे चेक करें कि कितना आपका जो भी, जैसे आप लोग का जितना भी रहता है स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज जितना भी रहता है उतना किस किस चीज़ में यूज़ हुआ है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, तो हम सब आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम लोगों को अपना पूरा स्टोरेज का इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आप लोग को नीचे आना है। तो नीचे आप लोग आएंगे ऐसे ही, तो जब आप लोग नीचे एकदम आएंगे तो इधर देखेंगे स्टोरेज का ऑप्शन वहीं पर कहीं पर रहेगा स्टोरेज का, तो स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता देगा कितना किस में यूज़ हुआ है। देख सकते हैं इमेजेस में 1.23 GB यूज़ हुआ है, वीडियोज़ में 10.7 GB यूज़ हुआ है, ऑडियो में 108 MB यूज़ हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स में 116 MB यूज़ हुआ है। फिर ये PKS में जो भी फाइल्स रहता है 107 MB, ऐसे ही ऐप्स में 24.60 GB, अदर्स में 8.55 GB, ऐसे ही पूरा सिस्टम में 11.1 GB, ऐसे ही पूरा देख लीजिए यूज़ बता देगा और कितना बचा हुआ वो भी बताएगा। 56.6 GB यूज्ड हो चुका है 64 GB में से मेरा, देख सकते हैं ऐसे आप लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताया कि आप लोग कैसे चेक करें अपने स्टोरेज के, फुल इन्फॉर्मेशन कैसे लें अपने फ़ोन से, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपको जरूर पहुंचे। तो फिर मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।